Hello students, so today we will study about antileprotic drugs. Now before studying antileprotic drugs, we need to know what is leprosy. तो इस लेक्चर के अंदर हम एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. अब एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेप्रोसी क्या होती है. सो एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स के नाम से क्या लग रहा है आपको? एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स क्या होते होंगे? वो ड्रग्स जो हमारे पास यूज होते हैं लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, अब द ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी आर कॉल्ड एज एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स. नाउ एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं. अब लेप्रोसी क्या होती है? अगर आसान भाषा में बोलें तो लेप्रोसी, अगर आपने सुना हो, आपने ध्यान दिया हो, तो हमारे पास इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी कोड की डिजीज. हिंदी में इसको कोड बोलते हैं. सो लेप्रोसी हमारे पास होती है कोड की डिजीज. अब लेप्रोसी जो है वो हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. माइकोबैक्टीरियम लैप्री हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, लेप्रोसी कॉज होती है. ठीक है, और लेप्रोसी हमारे पास एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि इसके जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर है. और हमारे पास जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्युनिकेबल डिसीज़ है. अगर कोई हमारे पास कोई पेशेंट जो है वो लेप्रोसी का जो पेशेंट है, अगर कोई हमारे पास किसी नर्स के कॉन्टैक्ट में या फिर हमारे पास किसी वार्ड बॉय के कॉन्टैक्ट में या फिर डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेप्रोसी हो जाती है. अब जो लेप्रोसी हमारे पास डिसीज है, लेप्रोसी की जो डिसीज है, इसके अंदर हमारे पास स्किन के ऊपर लेजन्स हो जाते हैं. ठीक है, और हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो हमारे पास फेस, ईयर्स, आईज, नोज तक, और हमारे पास जनरली फेस के साथ जो भी हमारे पास नर्व्स एसोसिएटेड होती हैं, वो हमारे पास डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं. और हमारे पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो क्या होता है हमारे पास लेप्रोसी? लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लैप्री एंड इट इज अ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट्स स्किन. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी? अब हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स है लेप्रोसी के? फर्स्ट ऑफ ऑल लेजन्स ऑन स्किन, एंड इट ऑल्सो डैमेजेस द नर्व्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद फेस, आईज, ईयर, नोज एंड माउथ. ठीक है, अब जो लेप्रोसी है हमारे पास, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे है, इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है, अब हमारे पास कोई भी जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी वायरसेज हैं, वो हमारे पास लैब में ग्रो किए जाते हैं. और फिर क्या किया जाता है, लैब में वायरसेस को ग्रो करवा के हम ऐसे एजेंट्स उनके ऊपर ट्राई करते हैं कि कौन सा एजेंट जो हमारा पॉजिटिव बैक्टीरिया या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर सकता है. वन ऑफ द जो हमारे पास मेजर डिफिकल्टीज आती है कि ये जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लैप्री होता है, ये हमारे पास आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो ही नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास इसके लिए जो एजेंट्स वर्क करते हैं उनको ढूंढना हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. और हमारे पास वन ऑफ द मेजर हेल्थ डिसीज, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है लेप्रोसी. अब जो ड्रग्स हमारे पास यूज होती है लेप्रोसी के अंदर वो कौन सी है हमारे पास? सल्फोन्स, सल्फोन क्लास है हमारे पास. सल्फोन्स के अंदर हमारे पास डेप्सोन, टैप्सोन, सलैप्सोन जैसी ड्रग्स आती हैं. उसके अलावा हमारे पास रिफैम्पिसिन ड्रग है, उसके अलावा क्लोफासिमीन ड्रग है और इथियोनामाइड. ये फोर जो हमारे पास ड्रग्स हैं, ये वन ऑफ द मेजर जो यूज ड्रग्स हैं हमारे पास, ये उनमें आती हैं. अब जो लेप्रोसी की हम बात करते हैं, लेप्रोसी हमारे पास, लेप्रोसी से एसोसिएटेड एक वर्ड है हमारे पास, लेप्रा रिएक्शंस. अब लेप्रा रिएक्शंस क्या होते हैं? लेप्रा रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस के थ्रू मीडिएटेड होते हैं. सो क्या होते हैं हमारे पास लेप्रा रिएक्शंस? लेप्रा रिएक्शंस आर इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस दैट अकर इन लेप्रोसी पेशेंट. फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है हमारे पास लेप्रा रिएक्शंस? लेप्रा रिएक्शंस हमारे पास ऐसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं
जो कि हमारे पास लेप्रोसी के पेशेंट्स के अंदर होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, लेशंस हो जाते हैं, कट्स लग जाते हैं, हमारे पास स्किन जो है वो रेडिश ब्राउनिश कलर की हो जाती है, और हमारे पास जो स्किन है वो उसकी जो हमारे पास सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास ड्राई स्किन अवेलेबिलिटी होती है और एक्सपोज हो जाता है हमारा जो स्किन होती है। अब ये जो सारे के सारे रिएक्शन हमारे पास लेप्रोसी के अंदर हो रहे हैं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं लेप्रा रिएक्शंस। सो लेप्रा रिएक्शंस जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। हमारे पास लेप्रोसी बेसिकली दो टाइप्स की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, और टाइप 2 के अंदर हम बोलते हैं लेप्रोवैक्टर लेप्रोसी। अब जो टाइप 1 लेप्रोसी है या ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अल्सरेशन होने लग जाते हैं स्किन के ऊपर, हमारे पास जो लेजेंस है स्किन के ऊपर उसमें से हमारे पास जो ब्लड है या पस है वो ऊज आउट करना स्टार्ट हो जाती है, जो नर्व्स होती हैं वो पेनफुल और टेंडर होती हैं, उसके अलावा हमारे पास जो नर्व्स के ऊपर परमानेंट डैमेज हो सकता है। अब ट्यूबरकुलोइड जो लेप्रोसी है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं और क्लोफाजिन यूज करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास लेप्रोसी है दैट इज लेप्रोमैक्टस लेप्रोसी, ये ज्यादा सीवियर लेप्रोसी है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी थी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के ऊपर जो हमारे पास प्रीवियसली लेजेंस लेप्रोसी के टाइम पे प्रेजेंट है वो ही रहते हैं, बस उनकी जो कंडीशन है वो वर्सन हो जाती है। लेप्रोमैक्टस लेप्रोसी के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो स्किन के ऊपर लेजेंस है वो उसके हमारे पास न्यूअर लेजेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूअर लेजेंस के अलावा हमारे पास और जो पिक्चर हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग लेजेंस थे उनकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है। उसके अलावा लेप्रोमैक्टस लेप्रोसी के अंदर फीवर, लिम्फेडेनटाइटिस, मायोसिटाइसिस और न्यूरालजिया जैसी कंडीशन आती है। सो ये है हमारे पास लेप्रोसी के टाइप्स। अब ये जो हमारे पास लेप्रोसी के टाइप्स है इनकी हम ट्रीटमेंट इन ड्रग्स का यूज करके करते हैं। अब इन ड्रग्स के इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में बोलते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास सरकोम्स के अंदर जो ड्रग आती है वो आती है डैप्सोन। अब जो डैप्सोन ड्रग है, डैप्सोन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमारे पास पैरामीनो बेंजोइक एसिड के साथ मैच करता है, यानी कि पावा के साथ, और ये हमारे पास सल्फोनामाइड्स का डेरिवेटिव है। तो अगर आपने सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स पढ़े हो तो आपको याद होगा कि सल्फोनामाइड्स हमारे पास पैरामीनो बेंजोइक एसिड के एनालॉग्स होते हैं, और हमारे पास जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है बैक्टीरियाज के अंदर उसके अंदर हमारे पास पैरामीनो बेंजोइक एसिड की जगह पे वो क्या करते हैं, जो ड्रग है वो खुद इनकॉर्पोरेट हो जाती है और हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है फॉलिक एसिड। तो सिमिलरली हमारे पास डैप्सोन क्या करता है, डैप्सोन हमारे पास इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड। अब डैप्सोन हमारे पास कैसे करता है इनहिबिशन फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन की, हमारे पास जो इनकॉर्पोरेशन होती है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की फॉलिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए उसको इनहिबिट करता है, और जब हमारे पास फोलेट बायोसिंथेसिस और इस प्रोसेस से हमारे पास फोलेट बायोसिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाता है। अब फॉलिक एसिड जो है या फिर फॉलेट जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी है। अगर फॉलेट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जो डैप्सोन ड्रग है ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक होता है नेचर, सो इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि हमारे पास ग्रोथ को स्टॉप करता है जो बैक्टीरियाज की, वो है हमारे पास डैप्सोन। अब जो हमारे पास डैप्सोन है ये हम इसके डैप्सोन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा जल्दी हमारे पास एक्वायर करता है बैक्टीरिया, इसीलिए हमारे पास डैप्सोन का जो यूज है वो लिमिटेड है। अब जो हमारे पास अगर हम स्पेसिफिकली लेप्रोसी की बात करें तो लेप्रोसी के लिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड क्या आता है, लेप्रोस्टैटिक। So Dapsone is a leprostatic agent. Now इसका mechanism of action क्या है हमारे पास, Dapsone is a analog of paraaminobenzoic acid. It inhibits the incorporation of paraaminobenzoic acid and inhibits the formation of
folic acid. Now folic acid is required by bacteria for the physiological processes. Due to unavailability of folic acid, what happens is the growth of bacteria stops, and hence it acts as leprosaptic agent. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो डेप्सोन हमारे पास कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और स्किन के अंदर हमारे पास हाई कंसेंट्रेशन में पहुंचता है. अब जो हमारे पास साइट ऑफ हमारे पास इन्फेक्शन है वो स्किन है लेप्रोसी के केस में, और हमारे पास जो ड्रग है वो भी हाई कंसेंट्रेशन में पहुंच रही है हमारे पास स्किन के अंदर. इसलिए हमारे पास वन ऑफ द जो मेन एजेंट्स है लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए वो है डेप्सोन. अब जो डेप्सोन है उसकी जो रेजिस्टेंस है, जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत जल्दी एक्वायर करता है, इसीलिए हमारे पास ये हमारे पास कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हमारे पास डेप्सोन के, जैसे कि एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, फीवर, प्रूराइटिस, डर्मेटाइटिस हो सकता है, और हमारे पास एनीमिया कॉज हो सकता है ड्यू टू यूज ऑफ डेप्सोन. तो अगर हम किसी पेशेंट को डेप्सोन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये हाईली सजेस्टिव होता है कि हमारे पास उस पेशेंट के अंदर आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाए. सो अब यूजेस क्या है हमारे पास डेप्सोन का? सबसे पहला यूज है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास पी जीरो वैकी की ट्रीटमेंट, जो हमारे पास एक प्लाज्मोडियम जीरो वैकी की वजह से इन्फेक्शन होते हैं उसको भी हमारे पास क्या करता है, डेप्सोन इनहिबिट कर देता है. उसके अलावा हमारे पास डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मेसिक डिसीज है जिसके अंदर हमारे पास ब्लिस्टर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे पास सीलिया डिसीज के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ब्लिस्टरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास डेप्सोन यूज की जाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज रिफैम्पिसिन या फिर रिफैम्पिन भी बोलते हैं इसको. अब जो रिफैम्पिसिन ड्रग है, रिफैम्पिसिन हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है. ये हमारे पास डेप्सोन जो था वो बैक्टीरियोसाइटिक या लेप्रोसाइटिक था. अब रिफैम्पिसिन हमारे पास क्या होता है, लेप्टिसाइडल ड्रग है या फिर बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है. जो हमारे पास रिफैम्पिन ड्रग है या फिर रिफैम्पिसिन ड्रग है, ये हमारे पास 99% ऑफ जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लापरी बेसिली है उसको किल कर देता है. हमारे पास एक ही डोज दिया जाता है वंस अ मंथ रिफैम्पिन का, वो 1500 mg का डोज दिया जाता है जो कि हमारे पास इक्वली इफेक्टिव होता है. 1500 mg का वंस अ मंथ डोज दिया जाता है जो कि 99% ऑफ बैसिली को किल कर देता है. हम वंस इन अ मंथ डोज देते हैं रिफैम्पिन का क्योंकि हमारे पास सिमिलर केस है, जैसे डेप्सोन की हमारे पास रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेता है बैक्टीरिया, वैसे ही हमारे पास जो रिफैम्पिन है या रिफैम्पिसिन है उसके लिए हमारे पास बैक्टीरिया रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेता है, इसीलिए हम इसकी वंस इन अ मंथ डोज देते हैं. और अगर हमारे पास डेप्सोन और रिफैम्पिन को हम कॉम्बिनेशन के अंदर देते हैं तो वो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसको डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज क्लोफाजीमीन. अब जो क्लोफाजीमीन एजेंट है वो हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो वीकर है इन कंपैरिजन टू रिफैम्पिसिन. हमारे पास इसका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है. अब हमने जब लेप्रा रिएक्शन पढ़े थे, लेप्रा रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं हमारे पास, तो लेप्रा रिएक्शन टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर हमारा जो क्लोफाजीमीन है वो प्रिवेलेंट ड्रग है, वन ऑफ द मोस्ट यूज ड्रग है. लेकिन इसका हमारे पास बहुत स्पेसिफिक साइड इफेक्ट आता है. अगर हम क्लोफाजीमीन यूज कर रहे हैं तो क्लोफाजीमीन की वजह से रेडिश ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, जो कि सेवरल मंथ्स तक लास्ट करती है. उसके अलावा हमारे पास स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग कॉज करता है, फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, GI डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है. तो हमारे पास क्लोफाजीमीन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी है. और हमारे पास जो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है वो वीकर है, लेकिन क्योंकि इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्शन के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, इसीलिए हमारे पास क्लोफाजीमीन जो है वो यूज की जाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है, नेक्स्ट है हमारे पास इथियोनामाइड. अब जो इथियोनामाइड ड्रग है, इथियोनामाइड ड्रग हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल होती है नेचर में, लेकिन जो इथियोनामाइड ड्रग है ये हमारे पास ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज्यादा टॉक्सिक होती है हमारे इन कंपैरिजन टू डेप्सोन.
तो हमारे पास ये इन कंपैरिजन रोडोप्सोन कम यूज की जाती है थियोनामाइड। अब जो थियोनामाइड ड्रग है वो हमारे पास गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करती है और हेपाटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो हमारे पास जो मल्टी ड्रग रेजिमेंस है, जिन जो पेशेंट्स हमारे पास डेप्सोन के लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं या फिर रिफैम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम थियोनामाइड ड्रग यूज करते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास, या फिर अगर जो पेशेंट है वो हमारे पास क्लोफाजिमीन जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास क्लोफाजिमीन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तब हमारे पास थियोनामाइड यूज की जाती है। सो थियोनामाइड के बारे में आपको क्या पता है, इट इज अ बैक्टीरियसिडल ड्रग बट इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड मोर टॉक्सिक दैन डेप्सोन, हेंस द यूज इज लिमिटेड। इट इज ओनली यूज इन द मल्टी ड्रग रेजिमेंस। सो नाउ इफ इट इज यूज इन मल्टी ड्रग रेजिमेंस, इट इज यूज ओनली व्हेन द पेशेंट इज रेजिस्टेंट टू डेप्सोन और द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट क्लोफाजिमीन। अगर हमारा जो पेशेंट है वो क्लोफाजिमीन या डेप्सोन को लिए रेजिस्टेंट हो गया है या टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तब हमारे पास थियोनामाइड दी जाती है। और इथियोनामाइड के हमारे पास एक एजेंट है, इथियोनामाइड के सिमिलर एजेंट है हमारे पास एक प्रोटियोनामाइड। सो प्रोटियोनामाइड और इथियोनामाइड हमारे पास सिमिलर एजेंट्स हैं जो कि हमारे पास यूज किए जाते हैं लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए। इन ड्रग्स के अलावा भी हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास मिसलेनियस क्लास में आती हैं, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर जो ओफ्लोक्सासिन ड्रग है वो हमारे पास लेप्रिसिडल है। हमारे पास क्या, हमारे पास लेप्रोसी जो है उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देती है ऑफ्लॉक्सासिन। अब ऑफ्लॉक्सासिन जो है वो रिफैम्पिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। ऑफ्लॉक्सासिन 400 mg और रिफैम्पिसिन 200 mg का हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है जो कि हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिमेंस के लिए यूज होता है। 28 days के लिए डेली दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। उसके अलावा हमारे पास मीनोसाइक्लिन ड्रग है। अब जो मीनोसाइक्लिन ड्रग है वो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। माइकोबैक्टीरियम लापरे को किल करती है बैक्टीरिया, हमारे पास बैक्टीरियसिडल ड्रग है। 100 mg डेली दी जाती है, लेकिन जो मीनोसाइक्लिन ड्रग है वो हमारे पास चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर यूज नहीं की जाती क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारे पास, जो उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर और हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर है। उसके अलावा हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन ड्रग है। क्लेरिथ्रोमाइसिन ड्रग भी हमारे पास 500 mg डेली यूज की जाती है और ये 99% बैक्टीरिया को किल कर देती है। सो अब जो हमारे पास ट्रीटमेंट है लेप्रोसी की, हमारे पास जो ट्रीटमेंट है लेप्रोसी की वो हमारे पास डिवाइड की गई है। हमारे पास लेप्रोसी को पॉसी बैसिलरी, यानी कि हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस लेप्रोसी और हमारे पास इन्फेक्शियस लेप्रोसी के अंदर। लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 major goals हैं। सबसे पहले हमने एलिमिनेट करने होते हैं जो कि डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकेंडली हमने क्या करना होता है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है उसको अवॉइड करना है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे पास, अगर हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं वैसे प्रेफर किया जाता है हमारे पास इंडिविजुअल एजेंट्स को दिया जाए। अगर इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू हमारे पास रेजिस्टेंस कॉज हो रही है तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास मल्टी ड्रग्स ड्रग रेजिमेंस चलते हैं ताकि हमारे पास जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है उसको अवॉइड किया जा सके। और थर्डली हमारे पास जो गोल है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट का वो है ड्यूरेशन ऑफ जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसको डिक्रीज किया जा सके। सो विद दिस जो आपका लेप्रोसी की ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होती है। सो अभी हमारे पास जितने भी एजेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास लेप्रोसी के अंदर जो सबसे मेन एजेंट है दैट इज डेप्सोन। डेप्सोन हमारे पास एक पाबा का एनालॉग है, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, राइट। और उसके अलावा हमारे पास बाकी सारे जो एजेंट है वो हमारे पास बैक्टीरियसिडल या फिर लेप्रिसिडल एजेंट्स हैं। इन एजेंट्स का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास यूजेस क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स कौन से हैं ड्रग्स के और हमारे पास लेप्रोसी होती क्या है, कितने टाइप्स की लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी के अंदर लैटरल रिएक्शंस क्या होती हैं। थैंक यू।